हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेडियो एक्टिविटी। मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी ने 1898 पता लगाया कि यूरेनियम और उनके यौगिक से रेडियो सक्रिय किरणों का निकलना एक परमाणु जनित क्रिया है। मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी ने पता लगाया कि यूरेनियम और उसके यौगिक यूरेनियम और यूरेनियम की यौगिक से जो रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं, उन रेडियो एक्टिव किरणों का निकलना एक परमाणु जनित क्रिया है। क्यूरी ने ही बताया कि थोरियम धातु में रेडियो एक्टिव तत्व विद्यमान है। रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए इन तीनों वैज्ञानिक कौन कौन का है? हेनरी बेकुरेल, मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी को 1903 ईस्वी में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रेडियो सक्रियता वह प्रक्रिया है जिसमें परमाणु के नाभिक उच्च ऊर्जा युक्त विकिरणों का या परमाणु कणों का उत्सर्जन करते हैं। रेडियो एक्टिविटी वह प्रक्रिया है जिसमें परमाणु अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण उत्सर्जित करते रहते हैं। वैसे सभी तत्व तो जिनकी परमाणु संख्या लेड-82 से अधिक होता है, वे सभी तत्व तो जिनकी परमाणु संख्या लेड-82 से अधिक होता है वे रेडियो एक्टिव हैं, क्योंकि ये तत्व अस्थायी हैं और अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने नाभिक से अल्फा, बीटा और गामा कणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। इन्हीं घटना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडियो ये किरणें 3 तरह की होती हैं, अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। अल्फा कण की खोज बेकुरेल ने किया था। अब इसका क्या की विशेषताएं? तो पहला है, इसका आवेश 2 इकाई धन आवेश। अल्फा कण पर 2 इकाई धन आवेश होता है और द्रव्यमान 4 इकाई होता है। अल्फा कण पर 2 इकाई धन आवेश और 4 इकाई द्रव्यमान होता है। इसे 2He4 हीलियम के नाभिक के रूप में व्यक्त किया जाता है। आयनन क्षमता बहुत अधिक होता है, बीटा कणों से लगभग 100 गुना होता है। इसकी आयनन क्षमता बहुत ज्यादा होता है, बीटा कणों से 100 गुना ज्यादा होता है। ये कैथोड किरणों की ओर विचलित होती है क्योंकि ये धनावेशित होते हैं और कैथोड कैथोड जो है ऋण आवेशित होते हैं। तो ये जो धनावेशित है अल्फा कण, ये ऋण आवेशित की तरफ मतलब कैथोड की तरफ विचलित होते हैं। अब बीटा कण पर आते हैं। बीटा कण की खोज रदरफोर्ड ने किया था। इनका द्रव्यमान 1 इकाई ऋण आवेश होता है। इन पर ऋण आवेश होता है 1 इकाई और द्रव्यमान नहीं होता है, इनका द्रव्यमान नहीं होता है। आयनन क्षमता कम होता है, गामा किरणों से 100 गुना ज्यादा होता है। इनकी आयनन क्षमता कम होता है और गामा किरणों से 100 गुना इनकी आयनन क्षमता ज्यादा होता है। आयनन क्षमता कम होता है लेकिन गामा किरणों से 100 गुना ज्यादा होता है। भेदन क्षमता अल्फा कणों से 100 गुना ज्यादा होता है। भेदन क्षमता मतलब है कि लोहे को भेद कर इस पार से उस पार जाना, यही भेदन क्षमता होती है। ये अल्फा कणों से 100 गुना ज्यादा होता है। एनोड की ओर विचलित होती है क्योंकि ये ऋण आवेशित होती है, बीटा कण ऋण आवेशित होती है। तो ये एनोड एनोड मतलब प्लस प्लस की तरफ विचलित होती है। गामा कण को किसने खोज किया था? तो मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी। ये बहुत कम तरंग दैर्ध्य के विद्युत चुंबकीय तरंग, ये बहुत रेडियो तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती। इसे गामा के रूप में निरूपित किया जाता है। इसकी आनंद क्षमता बहुत कम होती है, इनकी आयनन क्षमता बहुत कम होती है। भेदन क्षमता बीटा कणों से 100 गुना ज्यादा है। ये लोहे के मोटी चादर को भी भेद सकती है और इनकी भेदन क्षमता बीटा कणों से 100 गुना ज्यादा होती है। ये विचलित नहीं होती क्योंकि ये विद्युत चुम्बकीय, इस पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती है। रेडियो के तत्वों को 4 विघटन श्रेणियों में बांटा गया है। रेडियो के तत्वों को 4 विघटन श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है थोरियम श्रेणी, दूसरा है नेपच्यूनियन श्रेणी, तीसरा है यूरेनियम श्रेणी और चौथा है एक्टिनियम श्रेणी। फिर से बोल रहा हूँ, थोरियम श्रेणी, नेपच्यूनियन श्रेणी, यूरेनियम श्रेणी और एक्टिनियम श्रेणी। इसमें नेपच्यूनियन श्रेणी कृत्रिम श्रेणी है, मतलब ये कि ये बनाया गया है, ये वैज्ञानिकों ने बनाया है। और अन्य 3 श्रेणियां जो है वो प्राकृतिक हैं। ये सभी जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, ये सभी सभी तत्व स्वतंत्र अवस्था में मिलती हैं।
नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन वह अभिक्रिया जिसमें एक भारी परमाणु का नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इसमें एक भारी परमाणु का नाभिक दो या दो से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है और टूटने के बाद से दो या तीन न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस विखंडन के फलस्वरूप गामा किरणें निकलती हैं और उनकी ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो नाभिकीय विखंडन वह अभिक्रिया है जिसमें एक भारी परमाणु का नाभिक दो हल्के दो या दो से अधिक हल्के परमाणु के नाभिक में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, दो या तीन न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब नाभिकीय विखंडन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो परमाणु बम बनाने में, एटॉमिक बम बनाने में। यह अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित है। उन्नीस सौ पैंतालीस के द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो दो परमाणु बम गिराए गए थे उसमें से पहला था यूरेनियम 235 और जो दूसरा था वो PU-239 प्लूटोनियम का बना था। एक जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो दो परमाणु बम गिराए गए थे उसमें से पहला बम जो हिरोशिमा पर गिराया गया था वो यूरेनियम 235 था और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था वो प्लूटोनियम PU-239 था। अब आते हैं परमाणु भट्टी जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। यह नियंत्रित विखंडन की क्रिया पर आधारित है। वर्ड पर ध्यान दीजिए, नियंत्रित मतलब इसमें ये जो विखंडन है ये नियंत्रित हो जाते हैं। हालांकि जो नाभिकीय विखंडन होता है वो अनियंत्रित होता है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में इस नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। ये नियंत्रित नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित है। इसमें नाभिकीय ईंधन के रूप में विखंडनीय पदार्थ जिसको बोलते हैं इनरिच्ड यूरेनियम होता है, ईंधन के रूप में इनरिच्ड यूरेनियम होता है प्रयोग किया जाता है। विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, और जब विखंडन होता है तो वो चूंकि विखंडन अनियंत्रित होता है तो उस विखंडन को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरान को नियंत्रक छड़ का प्रयोग करते हैं। जो अनियंत्रित अभिक्रिया होती है यूरेनियम के विखंडन के बाद से, उस अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरान का छड़ होता है, उस छड़ का प्रयोग किया जाता है नियंत्रक रॉड मतलब कंट्रोल रॉड्स के रूप में। और ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है उसको अवशोषित कर लेता है। तीन इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो तीन इलेक्ट्रॉन में से दो इलेक्ट्रॉन को ये जो रॉड होता है, जो नियंत्रक रॉड होता है कैडमियम बोरान का, ये दो न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है और एक ही इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है और वह एक इलेक्ट्रॉन अगले यूरेनियम के नाभिक को विखंडन करता है। नियंत्रक छड़ों के अंदर ले जाने से श्रृंखला अभिक्रिया धीमा हो जाती है और उन्हें बाहर निकालने से फिर श्रृंखला अभिक्रिया की गति तेजी से होने लगता है। श्रृंखला अभिक्रिया में विखंडनों के पश्चात उत्पन्न हो रहे न्यूट्रॉनों की गति अत्यधिक होती है। श्रृंखला अभिक्रिया में जो विखंडन के पश्चात न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं उसकी गति अत्यधिक होती है, तो उसकी गति को मंद करने के लिए भारी जल D2O या ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। श्रृंखला अभिक्रिया में जो विखंडन के बाद से जो न्यूट्रॉन निकलते हैं उसकी गति बहुत अधिक होती अत्यधिक होती है, तो उसकी गति को मंद करने उसकी गति को धीमा करने के लिए भारी जल D2O या ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये पदार्थ न्यूट्रॉन मंदक कहलाते हैं। भारी जल ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड को न्यूट्रॉन मंदक, इसको बोलते हैं न्यूट्रॉन मॉडरेटर कहते हैं, ये न्यूट्रॉन मंदक कहलाते हैं। रिएक्टर में प्रसीतक के रूप में न्यूट्रॉन रिएक्टर में बहुत अधिक गर्मी होता है क्योंकि विखंडन के बाद बहुत अधिक ऊष्मा निकलती है, तो उसको ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर के रूप में जल का प्रयोग या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। खौलते पानी किस्म का जो रिएक्टर होता है बॉयलिंग वाटर रिएक्टर, उसमें न्यूट्रॉन मंदक और प्रसीतक के रूप में भारी साधारण जल H2O का प्रयोग होता है। न्यूट्रॉन मंदक और प्रसीतक के रूप में साधारण जल H2O का प्रयोग होता है और दाब अनुकूलित भारी रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक और प्रसीतक के रूप में भारी जल का प्रयोग होता है।
खौलते पानी किस्म का जो रिएक्टर होता है, BWR बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, जो BWR बॉइलिंग वाटर रिएक्टर होता है उसमें न्यूट्रॉन मंदक और प्रसीतक, न्यूट्रॉन मंदक और प्रसीतक मतलब रेफ्रिजरेशन के लिए H2O साधारण जल का प्रयोग होता है, जबकि दबानुकूलित भारी रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक और रेफ्रिजरेटर प्रसीतक के रूप में भारी जल D2O का प्रयोग होता है। भारतीय रिएक्टरों में अधिकांश भारी जल D2O का ही प्रयोग होता है, जो भारतीय रिएक्टर है उसमें अधिकांशतः भारी जल D2O का ही प्रयोग होता है। अब आते हैं नाभिकीय संघनन, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होकर के मिल करके एक भारी नाभिक बनाती है तो इस प्रक्रिया ऊर्जा विमुक्त होती है, इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। यह अभिक्रिया सूर्य तथा अन्य तारों में संपन्न होती है, यह अभिक्रिया सूर्य पर होती है और अन्य तारों में होती है और अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है और ऊष्मा प्राप्त होती है उसका स्रोत जो है नाभिकीय संलयन ही है। अब हम नाभिकीय संलयन का कहाँ कहाँ उपयोग होता है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो हाइड्रोजन बम के बनाने में होता है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित है। संलयन के लिए आवश्यक उच्च ताप और उच्च दाब की परिस्थितियाँ एक आंतरिक विखंडन बम एटम बम के विस्फोट द्वारा उत्पन्न की जाती है। हाइड्रोजन बम के विस्फोट के लिए अत्यधिक ऊर्जा, अत्यधिक ताप, अत्यधिक दाब की जरूरत होती है, अत्यधिक ऊर्जा, अत्यधिक ताप व अत्यधिक दाब की जरूरत होती। इस तरह की परिस्थितियां पैदा करने के लिए सबसे पहले एटम बम परमाणु बम का विस्फोट किया जाता है और परमाणु बम का विस्फोट करने के बाद से नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया संपन्न होती है। पहला हाइड्रोजन बम 1952 में बनाया गया था। अब रेडियो एक्टिव समस्थानी के उपयोग, रेडियो एक्टिव समस्थानी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए, परिसंचरण तंत्र में मतलब सर्कुलेशन सर्कुलेशन सिस्टम में रक्त का थक्का कहाँ पर जमा हुआ है रक्त, इसका पता लगाने के लिए सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। खून की खराबी से उत्पन्न रोग, खून की खराबी से जो रोग उत्पन्न होता है और ल्यूकीमिया के उपचार के लिए P32A का उपयोग किया जाता है। थायराइड ग्रंथ का विकार ज्ञात करने के लिए तथा ब्रेन ट्यूमर के उपचार के लिए, थायराइड ग्रंथ का पता लगाने के लिए और ब्रेन ट्यूमर के उपचार के लिए I131 का उपयोग किया जाता है। और रक्तता मतलब खून की कमी का पता लगाने के लिए FE59 का प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट CO60 का प्रयोग किया जाता है। कार्बन काल डेटिंग के निर्धारण में C14 का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।